नमस्कार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर के एस मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इस चालकता क्या होती है, ओम का नियम से चालकता क्या प्रभाव होता है, उस बारे में हमने बात की। आज है तन्वता से चालकता में क्या परिवर्तन होता है, जैसे जैसे डाइल्यूशन माने कंडक्टेंस उसमें बढ़ती बढ़ेगी या घटेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। तो विद्युत घटते विलयन में तनुकरण के साथ साथ विलयन की विशिष्ट चालकता के का मान घटता जाता है, क्योंकि विलयन को तनुकरण करने से उसकी इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। विलयन को तनु करने से उसकी तुल्यांक की चालकता मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि तनुकरण के फलस्वरूप आयनों की मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात 1 ग्राम तुल्यांक यानी 1 मोल विद्युत अवघट्य से कुल प्राप्त आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। अर्थात जैसे सांद्रता की बात करो 1.0, फिर 0.1, 0.01, 0.001, 0.005, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अवघट्य रखने वाले आयतन की बात कर रहे हैं हम, इसमें 1140 अलग अलग आयतन में। तो ये चालकता, विशिष्ट चालकता और तुल्यांक की चालकता के मान में चेंज आ जाता है। इसी तरह 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत अवघट्य की तुल्यांक की चालकता हम लोग याद कर रहे हैं, तो ये देखिए इसमें NaCl, KCl, HCl, NaOH, AgNO3, CH3, CWNa, CH3, CWH, इनके प्रिपेक्स में अलग अलग ग्राम तुल्यांक के ऊपर हमने 0.10, 0.05, 0.2, 0.1, 0.005 अनंत तुल्य की बात कर जाती है। तो इस तरह का हमें पदार्थ टेबल जो फॉर्मेट में हम देख रहे हैं, इनकी मात्रा चेंज होती रहती है। तो विभिन्न विद्युत अवघट्य की तुल्यांक की चालकता की मान विभिन्न सांद्रताओं पर दिए गए हैं। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तनुकरण के साथ विलयन की सांद्रता कम करते जाते हैं, विद्युत अवघट्य की तुल्यांक की चालकता का मान बढ़ता जाता है वह अनंत तनुता पर उच्चतम मान प्राप्त कर स्थिर हो जाता है। अनंत तनुता वाले विलयन की ये उच्चतम तुल्यांक की चालकता ही विद्युत अवघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता कहलाती है। इस अवस्था में विद्युत अवघट्य का संपूर्ण यानी आयनन संपूर्ण हो जाएगा, आयनन की मात्रा 100% हो जाएगी, जिससे कि तनु करने पर भी आयनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। इस अवस्था में विशिष्ट चालकता के में कमी का अनुपात 1 ग्राम तुल्यांक की भार विद्युत अवघट्य रखने वाले विलयन की आयतन V में वृद्धि के अनुपात के बराबर हो जाता है, जिससे उसका गुणनफल का मान स्थिर रहता है। तो प्रबल विद्युत अवघट्य और दुर्बल अवघट्य क्या होते हैं? तो प्रबल विद्युत अवघट्य NaCl, KCl, AgNO3 आदि विद्युत अवघट्य विलयन की साधारण सांद्रताओं पर भी तुल्यांक की चालकता का मान उच्च होता है, तथा इनके विलयनों को तनुकरण करने पर यानी तनु करने पर सांद्रता कम करने पर इनके मानों में कोई तीव्र वृद्धि नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य सांद्रताओं पर भी इन विद्युत अवघट्यों का आयनन लगभग संपूर्ण अल्फा इज इक्वल टू 1 आयनन की मात्रा, अल्फा इज इक्वल टू वियोजन की मात्रा 100% होती है। अतः अर्थात तनु करने पर इनके विलयनों में आयनों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। इन्हें प्रबल विद्युत अवघट्य कहते हैं। दुर्बल विद्युत अवघट्य कौन से होते हैं? जो कि दूसरी ओर ऐसे विद्युत अवघट्य जो साधारण सांद्रताओं में तुल्यांक की चालकता का मान कम होता है, लेकिन तनुकरण करने पर चालकता के मान में उत्तरी वृद्धि होती है। साधारण सांद्रता पर इसकी आयनन की मात्रा कम होती है, अतः 1 ग्राम तुल्यांक की विद्युत अवघट्य से प्राप्त आयनों की संख्या भी विलयन से कम होती है, पर विलयन को तनु करते जाने पर उसके आयनन की मात्रा बढ़ने से विलयन के कुल आयनों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे कि मान में काफी वृद्धि होती है। इन्हें दुर्बल विद्युत अवघट्य कहते हैं। दुर्बल विद्युत अवघट्य की किसी सी सांद्रता वाले विलयन में इसकी आयनन की मात्रा का मान इस द्वारा हम ज्ञात करते हैं, जैसे वियोजन सी सांद्रता वाले विलयन की तुल्यांक की चालकता अपॉन अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांक की सांद्रता, माने कि लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी केवल विद्युत दुर्बल विद्युत अवघट्य पर लागू होती है, क्योंकि प्रबल विद्युत अवघट्य अवघटन के लिए सभी सांद्रताओं का मान केवल लगभग 1 माने 100% आयनन होता है। विभिन्न विद्युत अवघट्यों की विभिन्न भिन्न सांद्रता सी पर इसकी संगत तुल्यांक की चालकता के मध्य ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो देखिए ये इसके ऊपर ग्राफ खींचा, तो ये KCl के लिए, Na2SO4 के लिए, CH3CWH के लिए सबसे लोएस्ट ग्राफ मिल रहा है। तो ये इसका कारण है कि इसको अलग अलग सांद्रता पर हम दो। इससे स्पष्ट होता है कि प्रबल विद्युत अवघट्य के और आरेख के मध्य रेखीय होता है, अर्थात इस रेखा में शून्य सांद्रता तक बहिर्गत कर प्रबल विद्युत अवघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता का मान ज्ञात किया जा सकता है। दूसरी ओर दुर्बल विद्युत अवघट्य के लिए और उसके बीच में आरेख प्राप्त करने पर शून्य सांद्रता के समीप यह आरेख
वक्र भुजा के लगभग स्पर्श रेखीय होता है, अतः दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता का मान और आरेख के प्राप्त अरेखीय वक्र की शून्य सांद्रता पर प्राप्त की नहीं कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की मान कोलकोरेंस नियम की सहायता से अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात किया जा सकता है। अब कोलकोरेंस का नियम क्या है, तो इसमें कहते हैं कि साहब समान ईंधन वाले विद्युत अपघट्य की विभिन्न जोखों का अंतर, यानी कि रेनाइन समान है जैसे KCl, लिथियम क्लोराइड, KNO3, LiNO3, KOH, LiOH, इसमें लेमडा का मान ये हो गया, लेमडा में अंतर हो गया, इतना डिफरेंस हो गया आपस में। दनाइनों की मान, दनाइन समान होते लिथियम क्लोराइड, लिथियम नाइट्रेट, KCl, KNO3, लेमडा इन्फिनिटी, ये मान लो लेमडा में अंतर ये होता है। तो इस नियम के द्वारा प्रथम जोड़े में रेनाइन समान है और दनाइन के प्लस और लिथियम प्लस है, दूसरे जोड़े में रेनाइन समान है लिथियम प्लस के प्लस और लिथियम, अर्थात जोड़े में रेनाइन समान है, मतलब एक तरफ दनाइन समान है एक तरफ, प्रत्येक जोड़े में अंतर का मान 34.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक प्राप्त होता है। यह अंतर समान तभी रह सकता है जबकि के प्लस और लिथियम प्लस का विद्युत अपघट्य की में निश्चित योगदान हो, जिससे कि उसके योगदान का अंतर केवल जोड़ने के लिए समान है, मानी 34.9 के प्राप्त होता है, क्योंकि ऋणायनों में उस जोड़े में समान है। ये निष्कर्ष निकलता है कि इसके द्वारा कि धनायन समान रहते हैं तो अंतर क्लोराइड नाइट्रेट में निश्चित योगदान के कारण होता है। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर कोलकोरेंस के नियम आयनन में स्वतंत्र अभिगम का नियम दिया कि आयन स्वतंत्र रूप से अभिगमित होते हैं। किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर कुल तुल्यांकी चालकता का मान उसके अव्यवी धनायन और ऋणायनों की तुल्यांकी आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। मैंने लेड व इन्फिनिटी प्लस की कितनी है और माइनस की कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के निर्धारण में इसके कोलकोरेंस के नियम का अनुप्रयोग क्या है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य के मान व इनके बीच में आरेख की ज्ञात करते हैं, तो दुर्बल अपघट्य के जो कोलकोरेंस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों के मान दो विधियों के द्वारा ज्ञात करते हैं। इस विधि में तीन प्रथम विधि है, इस विधि में तीन प्रबल विद्युत अपघट्य के मान ज्ञात होने चाहिए, अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्यों के समान ज्ञात करने के लिए समान धनात्मक वाले प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे HCl समान ऋणायन वाले CH3COOH वह तीसरे प्रबल विद्युत अपघट्य NaCl के मानों की आवश्यकता होती है। लैम्डा CH3COOH इज इक्वल टू CH3CO- प्लस लैम्डा प्लस सोडियम प्लस, इसी तरह लैम्डा HCl इज इक्वल टू H+ और Cl-, NaCl के लिए Na+ और Cl-, इन सबको जोड़ने उसमें से A में से B को माइनस कर दिया हमने, A वो B में योग करने पर C को घटा दिया, तो इस तरह से हमें इस प्रकार से CH3COOH उनकी सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH की मान की गणना की जा सकती है। आरएनएस का सिद्धांत क्या कहता है इसमें? आरएनएस का विद्युत अपघटनी का सिद्धांत, आरएनएस इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन थ्योरी ये कहती है कि जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में विलय किया जाता है तो वो आवेशित कणों में धनायन और ऋणायन में वियोजित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, मानी कैथोड टाइन तो कैथोड पर जाएंगे, एनायन एनोड पर जाएंगे। विलयन में धनायन और ऋणायनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, पर धनायनों का कुल आवेश ऋणायनों के कुल आवेश के बराबर होता है, मानी कि विलयन पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन होता है। यह आवश्यक है कि संपूर्ण विद्युत अपघट्य की वियोजन हो जाता है। विद्युत अपघट्य की ये भिन्न जो वियोजित होती है वे वियोजन की मात्रा कहलाती है। वियोजन का मान विद्युत अपघट्य की प्रकृति, ताप और तन्यता पर निर्भर करता है। विलयन में अवियोजित अणु और आयनों के मध्य गतिक आयनिक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे आयनिक साम्य पर द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम गुलबर्ड और वाल्के का नियम का प्रयोग कर ओस्टवाल्ड तन्यता नियम दिया। इसका ए बी है, जैसे ए प्लस और बी माइनस में टूट रहा, सी इसकल टू प्रारंभिक सांद्रता सी थी इसकी और इनमें जीरो जीरो थी प्रारंभ में, साम्य की स्थिति आई सी इक्वल टू वन माइनस अल्फा वियोजित हो गया, सी अल्फा सी अल्फा बन गया, तो साम्य के इक्वल टू ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी, जिसको गुलबर्ड वाल्के के नियम सर बड़े कोष्ठक में हम लिखते हैं सी अल्फा डॉट सी अल्फा इक्वल टू सी वन माइनस अल्फा, तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। यदि वियोजन की मात्रा कम हो तो क्या करते हैं, वन माइनस अल्फा इज नेग्लिजिबल टू वन, तो k is equal to c alpha square, तो alpha is equal to k upon c, तो alpha is proportional to 1 upon c, तो निश्चित तापमान पर विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा उसके विलयन के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात विलयन को तनु करने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, यही ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन
नियम है, तनुता का नियम है। इसका सत्यापन कैसे कर नहीं सकते हैं? आरएनएस के वियोजन सिद्धांत सी सांद्रता वाले विलयन को विद्युत अपघटक वियोजन की मात्रा अल्फा सी इक्वल टू अल्फा लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, अल्फा के मान का उपयोग किया तो के इक्वल टू सी लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी और ये वैल्यू हमें देखने को मिलती है। विभिन्न सांद्रताओं पर एसिटिक एसिड की वियोजन की स्थिरांक के मान 0.001 इक्वल टू ये वैल्यू इसके द्वारा मिलेगी लैम्डा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू के की वैल्यू। तो विद्युत अपघटक की भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों की तुलना की चालकता प्रायोगिक रूप से मापी जाती है। इसकी सीमाएं क्या है? आरएनएस सिद्धांत के विद्युत अपघटक विलयनों में संबंधित अनेक प्रायोगिक तथ्यों को सफलतापूर्वक समझा सकता है लेकिन उसके गुणों और दोष सामने आए। इस सिद्धांत के आधारित ओस्टवाल्ड-डालू तनुता नियम प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं देता है। जैसे HCl के लिए विभिन्न सांद्रताओं वियोजन के मान के का मान हमेशा स्थिर प्राप्त नहीं होता है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा के लिए चालकता मापन में प्राप्त मान लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, अनुसंख्यक गुणधर्म प्रयोग से प्राप्त मान जो वांटा गुणांक की सहायता से मेल नहीं खाते हैं, KCl और NaCl जैसी पिघली हुई अवस्था में भी विद्युत चालन करते हैं। स्पष्ट है कि वियोजन जल की अनुपस्थिति में ही संभव है। NaCl KCl आदि प्रबल विद्युत अपघट्यों क्रिस्टल का अध्ययन कर ज्ञात होता है कि इसकी ठोस अवस्था में भी आयन उपस्थित होते हैं, अणु अवस्था में नहीं होते। अतः जल में विलय करने पर इसके अवियोजित अणु और आयनों के मध्य आयनिक साम्य संभव नहीं है, अर्थात अवियोजित अणु को अस्तित्व नहीं है। इस सिद्धांत के विलयन में विचरण कर रहे धनायन और ऋणायनों के मध्य परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण ध्यान में रखा गया है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डुबई-हकल्स का क्या नियम है? डुबई-हकल्स ऑर्गेनिक समीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबल विद्युत अपघट्य सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः आयनित रहते हैं। इसके विलयन में तनुकरण करने पर चालकता वृद्धि आयनन की मात्रा बढ़ने के कारण नहीं वरन आयनों की गतिशीलता वृद्धि होने के कारण होती है। अनंत तनु विलयनों में अंतर आयनिक दूरी इंटर आयनिक डिस्टेंस काफी अधिक होने के कारण आयनों का एक दूसरे पर प्रभाव नगण्य होता है। अधिक सांद्रता वाले विलयनों में आयनों की पारस्परिक दूरी कम हो जाती है, अतः अंतर आयनिक आकर्षण बल मान इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगते हैं जिसके फलस्वरूप आयनिक गतिशीलता यानी चालकता कम हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबल विद्युत अपघट्यों में सांद्र विलयनों में आयनिक गतिशीलता में कमी के दो कारण सामने आते हैं। पहला कारण है कि असममित और शीतलता एसिमेट्रिक या रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो जो असममित और रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है कि विलयन में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों के समूह द्वारा घिरा हुआ रहता है। कोई धनायन है तो चारों तरफ से ऋणायन से घिरा रहेगा, कोई ऋणायन है तो चारों तरफ से धनायन से घिरा रहेगा। ऐसे आयन को आयनिक परिमंडल कहते हैं, आयनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं। विलयन में जब धारा प्रवाहित होती है विभांतर लगाया जाता है तो केंद्रीय आयन एक दिशा में जबकि दूसरा आयन विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं और आयनिक परिमंडल में परिमंडल द्वारा आवेश केंद्रीय आवेश के विपरीत होता है। फलस्वरूप आयनिक परिमंडल गोलीय सममिति को नष्ट कर देता है, ये गोले समिति नष्ट करके इसके अंडाकार हो जाती है। केंद्रीय आयन की गति की दिशा विपरीत होने से परिणामी बल लगता है, विकृत आयनिक परिमंडल के कारण उसकी गतिशीलता कम हो जाती है। इस प्रभाव को असममित या शीतलन प्रभाव कहते हैं। दूसरा आता है इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट विद्युत कण संचरण। विलयन में जब आयन वियोजित जलयोजित होते हैं केंद्रीय आयन में संयुक्त जल अणु एक दिशा में व आयनिक परिमंडल में संयुक्त जल अणु विपरीत दिशा में गति करते हैं। जल की इन विपरीत धाराओं के उत्पन्न घर्षण प्रभाव के कारण आयन की गतिशीलता में कमी आती है जिसे विद्युत कण संचरण कहते हैं। डुबई-हकल समीकरण यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट KCl NaCl की तुल्यांकी चालकता को इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें लैम्डा विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, सी सांद्रता पर अलग अलग इसके पैरामीटर्स होते हैं। तो प्रथम रूप से विद्युत कण संचरण प्रभाव और द्वितीय रूप से असममित प्रभाव के कारण आयनिक गतिशीलता में आई कमी को निरूपित करता है। इन दोनों प्रभावों के कारण आई कमी को में से घटाने पर सी आयन सी सांद्रता वाले विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान प्राप्त होता है। संक्षेप में ऑर्गेनिक समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जाता है। लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए प्लस बी लैम्डा अपॉन सी। ए और बी स्थिरांक है, विलयन की प्रकृति ताप पर निर्भर करते हैं। एक सरल रेखा का समीकरण है जिसके कारण मध्य में आरेख खींचा जाए तो सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए, से अंतरकरण इंटरसेप्ट पर ढाल आना चाहिए, जबकि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के लिए मान प्रायोगिक आरेख के दर्शाया गया है। इसमें ऑर्गेनिक का सत्यापन दिखाता है, ये ऑर्गेनिक समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन तुल्यांकी चालकता और सांद्रता में इस तरह का ढाल हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।